हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल्ला। मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, यूपी। तो आज का ये वीडियो है आपका एग्ज़ाम्स के बारे में। एग्ज़ाम यहाँ पे कैसे हैंडल होता है, एग्ज़ाम कैसे देखा लिया जाता है, यहाँ पे जाचोद क्या होता है, एग्ज़ाम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको बताएंगे। कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, कौन से सब्जेक्ट का जाचोद होता है, ये भी बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या होता है कि यहाँ पे जब आप क्लासेस जाओगे तो सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होता है। आपको कुछ सब्जेक्ट्स का जाचोद होगा और कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। जाचोद क्या होता है कि एक क्लास टेस्ट टाइप का होता है। उसमें आपको वैसे प्रॉपर एग्ज़ाम जैसे लिया जाता है कि पेपर दे के, वैसे नहीं होता है। आपको क्लास में ही बैठा के एग्ज़ाम दे दिया, एक छोटा सा टेस्ट करा दिया जाएगा उस चीज़ के बारे में। और या तो आपको उसकी सारी क्लास आप अटेंड करोगे तो आपको वैसे ही जाचोद मिल जाएगा उस चीज़ का। जो जो कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सब चीज़ का ऐसे जाचोद हो जाता है। तो टोटल जाचोद ऐसे होता है कि आपको बता दिए कि आप एग्ज़ाम उतना वो नहीं होता है। फिर एक यहाँ पे होता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हम लोग का जो फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर एंड पे होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में दो एग्ज़ाम होते हैं आपके, एनाटॉमी और नर्सिंग के, फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में फिर और एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी और नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं। तो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है अब आपको बताते हैं कैसे होता है। आप क्या होगा कि आप एक क्लास में जाओगे, आपका टाइम, आपको एक डेट बता दिया जाएगा, इस दिन एनाटॉमी क्लास, एनाटॉमी एग्ज़ाम है, उसके तीन चार दिन बाद नर्सिंग एग्ज़ाम होगा। ऐसे होता है, अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग एग्ज़ाम अलग अलग दिन पे होता है। आप जब जाओगे क्लास के अंदर जाओगे, वहाँ पे टीचर्स रहेंगे, चारों कोने में बैठे रहेंगे। एक आपका यहाँ पे जाचोद बुक मिलती है, जाचोद बुक अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक जाचोद बुक मिलती है, उस जाचोद बुक को आप वहाँ पे सबमिट करोगे। उसके अंदर आपके मार्क्स हमेशा, आपके छः साल तक जितने भी मार्क्स होंगे सबके उसके अंदर आपका नोट किया जाता है। तो आप जैसे ही घुसोगे, आप जाचोद बुक अपनी सबमिट करोगे वहाँ पे। जाचोद बुक सबमिट करने के बाद वो आपको एक पेपर देगा और वहाँ पे एक चिट्स रहेंगे, इतने बड़े बड़े चिट्स रहते हैं। उसमें लिखा रहता है, एक चिट में तीन क्वेश्चन रहते हैं, तीन से चार क्वेश्चन रहते हैं और लगभग 50 चिट्स रहते हैं। तो लक बेस्ड सिस्टम यहाँ पे चलता है। आप उसमें से एक कोई सेलेक्ट करोगे और उसमें चार क्वेश्चन रहेंगे, उस चारों का एक आपको पेपर दिया जाएगा, उस पेपर पे आंसर लिखना होगा। उस पेपर पे आंसर लिखे आप जाओगे, आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। 20 मिनट तक आप उस पेपर पे उन चारों क्वेश्चंस का आंसर लिखोगे। चार क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको फिर वापस उन चारों, जो टीचर वहाँ पे हॉल रूम में बैठे रहेंगे, उन चारों में से कोई भी एक बुलाएगा आपको, आपका जाचोद बुक आपके उसके पास रहेगा और उन उसका क्वेश्चन का वाइवा होगा आपको। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप वो जो पेपर में आप उतने देर से क्वेश्चन जो 20 मिनट में लेके उस चारों क्वेश्चन का आंसर लिखे, वो आपको खुद से मुंह से सुनाओगे उसको, उसमें से देख के भी सुना सकते हो आप, या फिर आप खुद से ही बोल सकते हो। और उसके बाद जैसे ही वो तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन का आंसर दोगे आप, उन सब में बीच में से भी वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहेगा। कोई जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि स्कल का कोई बोन, आपका क्वेश्चन था टेम्पोरल बोन का, तो टेम्पोरल बोन के बोल देगा इसमें फोसा कौन से होते हैं, इससे अटैच्ड कौन कौन से बोन्स होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में पूछना स्टार्ट करेगा। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग उसी में से आपको करता रहेगा उन चारों क्वेश्चन के हिसाब से। और जब आपका चार क्वेश्चन, अगर आप चारों क्वेश्चन का आंसर सही दे दिए तो आपको फिर 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप चारों में से कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए तो 3 मिलेंगे, नहीं तो फिर फेल भी हो सकते हैं अगर आप ढंग से आंसर नहीं दे पाए उस चीज़ का। तो यहाँ पे फेल करने के लिए मतलब 2 मिलता है, 2 मतलब फिर आपका री एग्जाम में आप चले जाओगे। यहाँ पे आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं एक एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो 3 अटेम्प्ट में आप अगर एग्जाम नहीं क्लियर पाए तो फिर टाटा बाय बाय इंडिया, ऐसे घर चले जाते फिर लोग। पर आप लोग कर लोगे, इतना तो हमको लगता है कि मोस्टली लोग कर लेते हैं। आप पढ़ाई अगर अच्छे से कर रहे हो, इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको उन तीनों का आंसर आप कर लोगे। आपको बता दिया अब एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है यहाँ पे। अब बताते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट का जाचोद होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स का जाचोद होता है वो है जस्टिस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, रशियन, फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, फिजिक्स, लैटिन, फिलॉसफी। तो बाकी सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे वो होता है और बस 2 सब्जेक्ट का ही आपका एग्ज़ाम होगा, वो है एनाटॉमी और नर्सिंग। फिर सेकेंड सेमेस्टर में होता है आपका एनाटॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिलॉसफी। इन पांचों सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा और फिर बाकी जो सेकेंड सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका आपका इसमें आपका जाचोद होता है। हमारे दोस्त आ चुके हैं, इन लोगों को मतलब नहीं पड़ता, कोई वीडियो बना रहा होता है सीधा घुस जाते हैं कमरे में। ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए,
प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, ये चीज बहुत बुरी बात है। तो प्लीज लाइक करिएगा ये वीडियो। थैंक यू, गुड बाय। अच्छी वीडियो के लिए तो देखना पड़ता है ना, तो बुरा वीडियो में क्या इनका वीडियो देखेगा भी आप? कंसिस्टेंट बुरा वीडियो वही होता है।